बॉलीवुड के किंग खान इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं। हाल ही में खत्म हुई दंगे की शूटिंग तो पहुंच गए मदीना। मक्का में किया शाहरुख खान ने उमरा। शाहरुख खान की कुछ ये फोटोज वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। बॉलीवुड के बादशाह आम इंसान की तरह अल्लाह के दरबार में हमें सजदा करते हुए दिखे। मक्का में शाहरुख खान को देखकर ना सिर्फ इंडियन बाकी मुल्कों के लोग भी परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कई सारी वीडियोस और फोटो सामने आई। वीडियो में किंग खान को फैन और सिक्योरिटी ने घेरा हुआ था। किंग खान ने सफेद कपड़ों में उमड़ा करते हुए दिखे। सफेद लिबास को हैराम कहते हैं, जो मक्का में हज करने के टाइम पहना जाता है। कि ये पिक्चर उनके फैंस ने और वहां की मीडिया रिपोर्टर सऊद हाफिज ने हमारे साथ शेयर की। उन्होंने दुआ की कि उनका उमरा पूरा हो, आमीन। शाहरुख खान की मक्का मदीना की ये फोटो वायरल हुई, तब शाहरुख खान की 2010 में एक पोस्ट की हुई भी हमें सामने आई। 2010 में उन्होंने अपने दिल की ख्वाहिश जाहिर की थी कि एक दिन वो उमरा करने मक्का जाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी जाहिर किया था कि हज करने की भी उनकी ख्वाहिश है। आज 12 साल बाद उनकी वो ख्वाहिश पूरी हुई। अभी किंग खान कुछ टाइम से यूएई में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। बात करते हैं कि काफी लोग ये सोचकर हैरान होंगे कि सऊदी अरेबिया के अंदर शूटिंग करने की परमिशन मिल चुकी है। तो हाँ, आपको बता दें, सऊदी के कुछ जगहों पर बॉलीवुड और हॉलीवुड की शूटिंग की परमिशन दे दी गई है। से जो भी न्यू मूवीज की शूटिंग होगी वो वहीं पर ही होगी। किंग खान के इस न्यू लुक को देखकर एक लाइक तो बनता ही है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। शाहरुख खान डंके की शूटिंग करने के लिए यूएई गए हुए थे। उस शूटिंग को खत्म करने के बाद शाहरुख खान पहुंच गए सीधा मक्का उमरा करने के लिए। डंके की शूटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर करके शूटिंग पूरी होने का ऐलान किया और टीम के सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और साथ में सऊदी की गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा किया। डंके के अलावा फैन को जवान और पठान का भी इंतजार है। बात करते हैं, शाहरुख खान लंबे समय से सिल्वर स्क्रीन को दिखने को नहीं मिले थे। 4 सालों के उनकी कोई भी फिल्म नहीं आई। नेक्स्ट ईयर 3 बड़ी फिल्म लेकर आ रहे हैं शाहरुख खान, जिसमें डंके, जवान और पठान भी शामिल हैं। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र मूवी में हमें ये दिखे थे। अब फाइनली खुद की 3 बड़ी मूवीज लेकर आ रहे हैं। खान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम भी है। मूवी में शाहरुख खान की जोड़ी तापसी पन्नू के साथ जमने वाली है। वहीं बात करते हैं जवान मूवी की, उनके साथ साउथ के सुपरस्टार नजर आने वाले हैं। फैंस इनकी मूवी को लेकर बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शाहरुख खान फिल्म के ही नहीं रियल लाइफ के भी बादशाह हैं, ये उनके फैन का कहना है। 12 साल बाद उनके मन की ख्वाहिश पूरी हुई, ये जानकर आपको कैसा लग रहा है? प्लीज अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें और इनकी 3 मूवी आने के लिए आप कितना एक्साइटेड है वो भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और वीडियो जरा सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी मोर अपडेट के लिए।